चलिए तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आई होप सभी बच्चे आ गए हैं। और कल जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल पढ़ा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल पर बेस हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक बार क्वेश्चन में आपको ताकि कल का थ्योरी रिवाइज हो जाए। तो ओके जीशान, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल सर, according to allied angles we can say that na cos 30 is equal to sin 30 is equal to cos 60 तब 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कांसेप्ट आपने कल पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल पर, इसका यूटिलाइजेशन ये है कि जो अपन ने टेबल बनाया था उसकी हेल्प से वी आर या गाइड, जैसे इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 315 डिग्री, आपको साइन 315 डिग्री का वैल्यू निकालना। इफ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 315 डिग्री, 315 डिग्री, तो आप कैसे कैलकुलेट करें? तो आप ये जानते हो 315 डिग्री जो है वो आपका, सबसे पहले आप क्वाड्रेंट मेंशन किया करो कि 315 डिग्री इट इज बिलोंग्स टू द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चौथे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और आप फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर भी कैलकुलेशन आपको दो तरीके से करके बता रहा हूँ। जब आपको साइन 315 डिग्री को कैलकुलेट करना होगा तो साइन 315 डिग्री को आप फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो लिख सकते हो साइन 270 प्लस 45, या फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि साइन 315 डिग्री इज इक्वल टू, इसको आप 360 माइनस भी लिख सकते, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन साइन 360 डिग्री माइनस 45, दोनों तरीके से ही, दोनों से 315 डिग्री आता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चूंकि एंगल था हमारा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में दो तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। और आप इनमें से कोई भी अप्रोच यूज करेंगे आपको वैल्यू हमेशा सेम मिलेगा, कोई फर्क नहीं आता। तो अब अपन फर्दर प्रोसीड करते हैं, चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, पहले आपने साइन लगाना, उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो 270 डिग्री है और 270 डिग्री है, इसलिए साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद 45 डिग्री एज सच है। सिमिलरली यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव आएगा, लेकिन 270 या 90 नहीं है तो साइन का आप साइन ही लोगे और ये 45। और अब वैल्यू आप डाल दीजिए, आपने पढ़ा है cos 45 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 और sin 45 का वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2 होता है। और आप देख रहे हैं दोनों मेथड से हमने सॉल्व किया है, तो sin 315 डिग्री का जो वैल्यू है वो आपका माइनस 1 अपॉन रूट 2 है। दिस इज वैल्यू ऑफ sin 315 डिग्री। एक और क्वेश्चन में अपन इसको देख लेते हैं ताकि आपका फुल्ली रिवाइज हो जाए। तो हियर वी टेक, जैसे आप यहां पर कैलकुलेट कर लें 225 डिग्री आपने कैलकुलेट किया हुआ है, या फिर 240 डिग्री अपन ले लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं कोसेक 240 डिग्री ले लिया, कोसेक कॉस नहीं है याद रखें, कोसेक 240 डिग्री हमको कैलकुलेट करना। तो आप सबसे पहले जब भी कैलकुलेट करने जाएं,
तो ये मेंशन कर लिया करो ध्यान में आने के लिए कि 240 डिग्री बिलोंग्स टू, ये 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। श्रेया 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 श्रेया, हेलो श्रेया, क्या हो गया श्रेया? श्रेया क्या हो गया? Amazon खोलना मैं कसम, तुझे माझी कसम, Amazon असे थोड़ी होते, हे स्क्रीन वर काय इसे पण बोलत आहे हा चॅट, मतलब झूम मध्ये माइक म्यूट कर लो। तसे आता हे मी बघत आहे किती पार्टिसिपेंट्स आहेत, किती लोक जॉईन झाले ते पाहिलं आता, आणि देखो पढ़ाई के वक्त ये सब करते रहते हैं। मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, इनका सब पूरा अमेज़न वगैरह का पूरा कहानी शुरू है वहां। चलिए बाकी लोग माइक म्यूट रखें। और नाउ हियर वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोसेक 240 डिग्री। तो 240 डिग्री आपका थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। और अब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ भी मैं कैलकुलेशन आपको दो टाइप से बताऊंगा। तो पहला जो आपका रीजन है कि मैं कोसेक 240 डिग्री लेके चलता हूँ और कोसेक 240 डिग्री को आप एक तो लिख सकते हो कोसेक 180 प्लस के फॉर्म में, 180 प्लस 60 240 हो जाएगा। और दूसरा आप कोसेक 240 डिग्री को, 240 डिग्री को आप लिख सकते हैं 270 के टर्म्स में, तो कोसेक 270 माइनस 30। इस तरीके से हमने कोसेक को लिख लिया 240 डिग्री के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट में दो तरीके से लिखा। अब थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन और कॉट जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए कोसेक नेगेटिव होगा। दूसरा यहाँ पर 180 है, इसलिए कोसेक का कोसेक छाप हो गया, तो कोसेक आ गया। और ये 60 डिग्री है, सच कॉपी करो, यहाँ भी साइन नेगेटिव आएगा। और चूंकि 270 आ गया तो कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक 30। अब आप जानते हो कोसेक 60 जो है साइन 60 का रेसिप्रोकल है, साइन 60 टू अपॉन रूट थ्री है, सॉरी रूट थ्री अपॉन टू है, तो कोसेक 60 टू बाई रूट थ्री हो जाएगा। It is 2 by root 3. ऐसे ही sec 30, cos 30 का reciprocal है, cos 30 जो है root 3 by 2 होता है, तो ये भी आएगा minus का 2 by root. ठीक है, तो this is value of cosec 240 degree. तो कल जो मैंने आपको थ्योरी बताया था trigonometric ratios of allied angle, this is the utilization of trigonometric ratios of allied angle. इसकी हेल्प से अपन 90 प्लस एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, लवकर सांगा जरा। हेलो, यस सर, कोई डाउट है? नो सर। चलिए अच्छी बात, ऋतिक रोशन समझ गया? नो सर, नहीं है कोई डाउट। ओके, यस सर, नहीं डाउट। जीविधा, यस सर, क्वेश्चन देंगे तो बन जाएगा अभी? यस सर, बन जाएगा। ओके, तनिक्षा है ना? जी जी, तनिक्षा, तनिक्षा आवाज आ रही है? चलो तनिक्षा की आवाज गई। यस सर, आ रही है आपकी साउंड? ओके ओके ओके, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नहीं सर, क्लियर है। वेरी गुड। श्रेया, श्रेया आवाज आ रहा है? यस सर। ये क्या तुम किससे लड़ाई कर रही थी? सर किसी से नहीं। अपना नाम भी श्रेया 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 क्या कर रही थी? हेलो 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 सर जी। चलो ठीक, कोई डाउट सर? श्रेया, हाँ एक मिनट बेटा, श्रेया कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? सर 12 नून में अपना करंट टॉपिक चलेगा ना? क्या सर, झूठ लग रहे कर रहे हो? हाँ हाँ,
किसी के साथ नहीं चलेगा, चलेगा बिल्कुल चलेगा। हर्ष कोई डाउट चलेगा? नो सर। ओके चलिए तो ठीक है, वी मूव ऑन। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए सभी बच्चे, और अपना जो माइक है उसको बंद रखें, तो बार बार चालू ना करें क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। आप सभी कोशिश करिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपस में कॉम्पिटिशन रखिए और अपने आंसर्स को चैट ग्रुप में सेंड करिए, मेरे को प्राइवेटली सेंड करें, और दो ऑप्शन आते हैं एवरीवन प्राइवेटली, आपने अपने आंसर प्राइवेटली पुट अप करने हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, you have to find the value of tan theta, mic mute kar lo beta jiska on hai, cot 180 plus theta, mic mute kar lo, cot 90 plus theta, प्लस cot 360 माइनस थीटा, इसका वैल्यू कितना है? आपके ऑप्शंस हैं 0, 2 cot थीटा, 2 tan थीटा, 1, which one is correct? चार ऑप्शन है, tan theta plus cot 180 plus theta plus cot 90 plus theta plus cot 360 minus theta, and you have to find the value of this expression. Your options are 0, 2 cos theta, 2 tan theta or 1. You have 3 minutes only and your time starts now. एक आंसर आया है, देखते हैं किसका है आंसर। ओके वंशिका, यू हैव टू चेक योर आंसर। अभिषेक पांडरे, आपको भी चेक करना है अपना आंसर। कौशिक, एनडीए रामदास पेट ब्रांच से कौशिक, यू आर करेक्ट, वेरी गुड कौशिक। कौशिक सही है। बिल्कुल कामली करिए क्वेश्चंस को, बड़े ध्यान से करेंगे। वंशिका नाउ यू आर करेक्ट। साहिल साहू, यू हैव टू चेक योर आंसर। दिगांत मिश्रा वेरी गुड, जेई मानकापुर ब्रांच, वेरी गुड दिगांत, करेक्ट है। यस सर, थैंक यू सर। साहिल साहू दो ऑप्शन आ गए और दूसरा भी रॉन्ग आपने किया है। साहिल दो ऑप्शन और बचे हैं, वो भी बता दो। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जब अपन तैयारी करते ना तो अपन को सही ऑप्शन बताना होता है। साहिल शायद गलत समझ लिया, वो गलत गलत वाले पूछ करके मेरे को बता रहा है। पूर्वा चेक करिए। अभिषेक करेक्ट है, तनिक्षा करेक्ट है, ऋतिक रोशन चेक करो। अभिषेक कड़ू करेक्ट है। शुभ उपवंशी आंसर करें जल्दी से। जिनने ऐसा आंसर करो, दिशा लांबा करेक्ट है, वेरी गुड सर। अभिषेक कड़ू, अभिषेक कड़ू करेक्ट है,
शुभ उपवंशी सर अभिषेक हंड्रे यू हैव टू चेक योर आंसर अभिषेक करेक्ट है अभिषेक कड़ू करेक्ट है और अभिषेक वांद्रे देखिए कहां पर आंसर किया था करेक्ट है अभिषेक दोनों अभिषेक करेक्ट है जीविदा आंसर करें समीक्षा करेक्ट है वेरी गुड ईशान कुरैशी चेक करो बेटा गलत हो गया था इन कैलकुलेशन राउंड हुआ है चलिए तो समय समाप्ति की घोषणा आपका समय अब समाप्त होता है और अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ सर एक मिनट ऑलरेडी तीन दिया था अब एक मिनट और चाहिए स्नेहा सिंह बेटा करेक्ट नहीं है आपका चेक करिए स्नेहा चेक करो अपना आंसर ऋतिक रोशन करेक्ट है अभी स्नेहा सिंह करेक्ट है अभी बेटा हर्ष चेक करो रॉन्ग है कहीं पर गड़बड़ किया आपने देखो कहां पर गड़बड़ हुई है अनुराग खरे आप भी चेक करो बेटा रॉन्ग है आयुषी पाटिल चेक करो बेटा गलत है आयुषी ये भी गलत है पूर्वा चेक करो रॉन्ग है ये अनुराग चेक करो अरे तुम तो बताओ साहिल दो बता चुके दो और बताओ सर मैं बताऊं सर आ गया अच्छा तो भेज दो ना आ गया तो किसी को बात नहीं करनी केवल आंसर चुपचाप फाइल करना है और साहिल साहू तुमने ऑलरेडी दो ऑप्शन पुट अप कर दिए दो और डाल दो ठीक है सर मेरा आंसर करेक्ट है जीविका सकारे ठीक है सही है अभी यस सर जीविका सकारे सही है यस सर सही हूँ मैं अरे जीविका ठाकरे बोलो कि सकारे बोलो सर अभी कुछ भी चलता है कुछ भी बोलो ठीक है जीविका ठाकरे करेक्ट है और हर्ष भी करेक्ट है हर्ष अंबारते करेक्ट है चलिए सो नाउ वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन सबसे पहले आंसर डाल देते हैं तो करेक्ट आंसर इज जीरो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और सॉल्यूशन में टेन थीटा का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो ऐसा कुछ रखा है उसके बाद टेन 180 प्लस थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होता है तो ये कॉट थीटा आएगा उसके बाद 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है नेगेटिव आएगा और 90 है तो कॉट का टेन हो जाएगा उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉट नेगेटिव होता है और 90 नहीं है तो कॉट का कॉट भी आएगा तो अब आप देख रहे हो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाता है और कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल हो जाता है सब कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट जीरो बस इतना सा सवाल था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल पर बेस था अभी भी समझने में आपको कोई डाउट है देखिए ऐसे बनेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल और आपने इतना तो सही करना पड़ेगा एटलीस्ट ये तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इतना बनाओगे
चलिए कोई ना, अभी नेक्स्ट सवाल का आप जवाब दें, सभी लोग पूरी मेहनत करें, आई होप ये बनेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर टू, आपको दिया है इफ एक्स इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर टेन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय सेक 45 इंटू कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको बताना है कि एक्स का वैल्यू कितना है। योर ऑप्शंस आर 2, 4, 8, 16, इसका वैल्यू 2 आता है, 4 आता है, 8 आता है, या फिर 16 आता है। Which one is correct? करिए आंसर। सर मैंने भेजा ना आंसर। साहिल साहू करेक्ट है। यस। पूर्वा करेक्ट है। अभिषेक चेक करो, अभिषेक वांग सर मेरा सर अनुराग अनुराग कौशिक करेक्ट है, अनुराग करेक्ट है, अभिषेक वांगरे केवल रॉन्ग है। अभिषेक चेक करो जेई मानकापुर ब्रांच से। अभिषेक देखो कहीं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, री चेक योर सॉल्यूशन एंड री सबमिट योर आंसर। लास्ट आंसर अनुराग खरे ने किया, करेक्ट है अनुराग खरे।